वेलकम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। इमली की चटनी के लिए मैंने इमली ली है एक बाउल में, थोड़ी सी शक्कर ली है, दो गिलास पानी और ये घर में जो सौंफ मिल पड़ी होती है। इमली मैंने ये वाली यूज़ की है ईस्टर्न की, जो नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है। एक पैन में दो गिलास पानी डाल रही हूँ। दो गिलास पानी को थोड़ा देर गर्म होने देते हैं। पानी गर्म होना शुरू हो गया है, इस पॉइंट में हम अपनी इमली डालेंगे। इसको बॉयल होने देते हैं। इमली अच्छे से बॉयल हो चुकी है, इस पॉइंट पे हम गैस अपनी ऑफ कर देंगे। मैंने 100 ग्राम्स के करीब इमली ली थी और उसके हिसाब से 2 ग्लास ऑफ वाटर। मिक्सचर को ठंडा होने की वेट करते हैं। हाँ, मेरा मिक्सचर एकदम ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें से जो हार्ड हार्ड पार्ट्स होगा वो मैं निकाल दूंगी, मैश कर दूंगी इमली को अच्छी तरह से, और जो गिटियाँ होंगी वो मैं निकाल दूंगी। इमली में से मैंने सारी गिटियाँ और निकाल ली है। अब इसको हम फिर से गैस के ऊपर रखेंगे, धीमी आंच पे। एक चम्मच सौंफ, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक, आधी कटोरी शक्कर। आप चाहे तो शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हेल्दी शक्कर का ही यूज़ करूँगी। मिक्सचर को हल्का सा पकाएंगे। इस पॉइंट पे हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। इमली की चटनी बनके रेडी है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखते हैं। इमली की चटनी बनके रेडी है। पसंद आए तो लाइक माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।